हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। तो कैसा लगा आपको पीछे वाला वीडियो, सेकेंड इकाई वाला, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपने देख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो को भी देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके गणित शिक्षण से ही रिलेटेड है, DL Ed फर्स्ट ईयर से, जो कि तीसरी इकाई है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें 5 उप इकाइयाँ शामिल की गई है। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक बार मल्टीपल चॉइस वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर पहली बार आए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी प्रकार आपकी मदद होती रहे। तो दोस्तों बता दूँ मैं आपको कि आपके कौन कौन सी इकाइयाँ कितने कितने अंकों की हैं और उनका क्या क्या महत्व है, कौन सी इकाई में कौन सा प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों जहाँ तक आपको पता है, इसमें 5 इकाइयाँ हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ फर्स्ट में कि गणित की प्रकृति, इतिहास और संस्कृति पर समीक्षात्मक अवलोकन, जो कि 8 अंकों की है। सेकंड है गणित सीखना सिखाना, शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विद्या, ये आपके सेकेंड है 12 नंबर की। थर्ड इकाई विषय वस्तु आधारित ज्ञान, इसमें 5 उप इकाइयाँ शामिल की गई हैं, 5 उप इकाइयाँ दोस्तों। तो यह 25 नंबर की इकाई है टोटल थर्ड, जिसमें संख्या और मानक विद्या, भिन्न दशमलव और प्रतिशत, मापन और समय सारणी, इनके साथ साथ कोण और आकार, बनावट, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न। तो ये कितने की हैं दोस्तों, 25 की हैं तीसरी इकाई, जिसमें 5 उप इकाइयाँ शामिल हैं। तो चौथी हो गई गणित शिक्षण सबके लिए, ये आपके 5 अंक की हैं सिर्फ, और पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन है ये 10 अंकों की हैं। इसमें आपके RTE Act आ जाएगा, NCF 2005 आ जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के 25, 35, 10, 35 और शुरू वाली 12 और 8, 35 सिर्फ 20 आपके 60 अंकों का पेपर का खाका तैयार इस प्रकार होता है। तो दोस्तों इसी नज़रिए से हमें तैयारी करनी है, इसी नज़रिए से हमें बड़े प्रश्नों का वेटेज देना है। किन किन इकाइयों को आप समझ गए होंगे, तो आपके मेरे अनुसार इकाई 2 और इकाई 3 में आपके बड़े प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा हैं। तो उनको आप कवर कर लोगे तो आप बड़े प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हो। अब चलिए चलते हैं वीडियो में कि हम थर्ड इकाई से रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए। यहाँ पर संख्याएं हैं दोस्तों, संस्कार न होकर संख्याएं और मानक विधियाँ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे भिन्न दशमलव और प्रतिशत, भिन्न दशमलव और प्रतिशत, फिर मापन और समय सारणी, कोण और आकार, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न। यह इसकी 5 उप इकाइयाँ हैं थर्ड इकाई की। अब देखिएगा प्रश्न आए आपके सामने, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, यह है मोनू के पास 14 फूल हैं और उनमें से 8 फूल गेंदे के हैं और बाकी फूल गुलाब के हैं। तो मोनू के पास गुलाब के कितने फूल हैं। उपरोक्त प्रश्न तुलना के प्रश्न की बनावट में कौन सी श्रेणी में आएगा। आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसका जवाब क्या होगा, आपको पूछा गया है कि उपरोक्त प्रश्न तुलना के प्रश्न की बनावट में कौन सी श्रेणी में आएगा। तो इसका उत्तर होगा अंतर करने की श्रेणी में दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें तुलना नहीं की गई, इसमें अंतर किया गया कि उसके पास इतने हैं जिनमें से इतने फूल गेंदे के हैं, इतने फूल तो गुलाब के कितने फूल रहेंगे, तो अंतर कर लेना है। अगला प्रश्न है कि बाल मेले में मिहिर ने 13 फरिया लगाई और सुधा ने 19 फरिया लगाई, सुधा ने मिहिर से कितनी ज़्यादा फरिया लगाई। उपरोक्त प्रश्न तुलना के प्रश्न की बनावट में कौन सी श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर आपसे जवाब नहीं पूछा गया, मतलब जोड़ घटा के आपको जवाब नहीं देना है। यहाँ पर आपको जवाब देना है कि ये किस आधार पर, कौन से प्रकार की बनावट, कौन सी श्रेणी में आएगा ये प्रश्न। तो दूसरे में हो जाएगा आपके तुलना के आधार पर, इसमें तुलना की गई है कि इसने इतनी लगाई और इसने इतनी लगाई, तो सुधा ने कितनी ज़्यादा लगाई। तो अगला प्रश्न है कि रोशन के पास 5 रिबन के टुकड़े हैं, टुकड़े की लंबाई 3 मीटर है, तो रोशन के पास कुल कितने मीटर रिबन है। उपरोक्त प्रश्न मापन के प्रश्नों की कौन सी श्रेणी में आएगा। तो ये गुणा के श्रेणी में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 रिबन के टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 3 है और हमें
टोटल कितना मीटर लंबा रिबन है जानना है तो यह गुणा की प्रक्रिया के तहत जानेंगे। तो ये गुणा पर गुणा की श्रेणी वाला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मैरी के पास 15 रिबन है दोस्तों, मैरी के पास 15 रिबन है, उसने इस रिबन के 5 बराबर टुकड़े किए तो हर रिबन के टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। उपरोक्त प्रश्न मापन के प्रश्नों की कौन सी श्रेणी में आएगा, तो ये दोस्तों कौन सी श्रेणी में आ जाएगा आपके, ये श्रेणी समूह भाग श्रेणी में आ जाएगा कि 15 उसके पास 15 रिबन है और 5 बराबर टुकड़े करने हैं उसको, 5 बराबर टुकड़े करेगी तो समूह में भाग देगी तभी आएगा, तो ये समूह भाग की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रमा के पास कुछ डिब्बे हैं, रमा के पास कुछ डिब्बे हैं जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 3 बिस्किट हैं, कितने दोस्तों, 3 बिस्किट हैं। जब उसने इस सभी डिब्बे को खोला तब उसके पास कुल 15 बिस्किट हो तो उसके पास शुरुआत में कितने डिब्बे थे। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, पता चला क्या आपको, इसमें समूह भाग करना है कि 15/3 करेंगे तो पता चलेगा कितने डिब्बे थे। तो हमें ये जवाब मैटर नहीं करता, हमें ये देखना है कि ये सवाल कौन सी श्रेणी में आता है, तो समूह भाग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, मिन्ना के पास 15 रुपये हैं, वह इनसे गेंद खरीदना चाहती हैं, प्रत्येक गेंद की कीमत 3 रुपये हैं, मिन्ना इन रुपयों से कितनी गेंद खरीद पाएगी। उपरोक्त प्रश्न कीमत पर आधारित सवाल की कौन सी श्रेणी में आएगा, तो यहाँ 15/3 करने पर 5 जवाब आता है, तो ये समूह भाग के दृष्टि से समूह भाग की श्रेणी का सवाल है दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये माप भाग का सवाल है क्योंकि यहाँ पर माप में भाग दिया गया है, समूह में भाग नहीं, या माप हैं 15 रुपये, उनमें 3 को डिवाइड करना है अपने को। अगला प्रश्न है सातवां, कि 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बता सकते हो कि 2 अभाज्य हो गई, 3 अभाज्य हो गई, 5 अभाज्य हो गई और 7 अभाज्य हो गई। तो देखो एक का तो क्या, एक भी अभाज्य में आती है क्या दोस्तों, आपको बताया तो 2, 3, 5, 7, तो 4 अभाज्य हो गई, 6 अभाज्य हो गई, 9 अभाज्य हो गई, 10 अभाज्य हो गई, तो इसमें 2 ने 2, 4 तो हो ही गए अपने ये अभाज्य संख्याएं, और 1 को भी अभाज्य संख्या में गिना जाता है, तो ये ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, तो मित्रों मैं माफी चाहूँगा यहाँ 1 अभाज्य संख्या नहीं होएगी, तो इसमें टोटल आपके आंसर आएगा 6, ऑप्शन 4 सही है, 2, 3, 5, 7 ये सही उत्तर है आपका। प्रथम 2 अभाज्य संख्या है, 3 और 2 का योग 5 हो जाता है, ऑप्शन बे सही हो जाएगा अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो इनमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें 5 का जाता है दोस्तों, और इसमें अपने 87 में किसका जाता है, तो दोस्तों इसमें अभाज्य संख्या आपके हो जाएगी 83, जिसमें 1 और स्वयं 83 का ही भाग जाता है। तो अगली संख्या है कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड अगर करने हैं आपको, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों होंगे ऑप्शन दे 2 × 2 × 3 × 1, अर्थात 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 12, तो यहाँ पर तो 6 भाज्य संख्या है, यहाँ 4 भाज्य हैं, यहाँ 12 भाज्य हैं, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य संख्या ही इसका गुणनखंड के रूप में आएगी। अगला प्रश्न है कि 18 व 27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों, तो महत्तम समापवर्तक आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी आपको ये काम आने वाला है, तो महत्तम समापवर्तक पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप महत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकालोगे। तो मित्रों इस प्रकार आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, जिसमें इनमें 2-3 कॉमन आ जाएंगे, 2-3 कॉमन इनमें है, 2-3 ही कॉमन इनमें है, यहाँ पर 2 इसमें नहीं है जबकि 1-3 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 3-2 कॉमन आए तो 3 × 3 का मान 9, अर्थात ये 9 महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, इसका ऑप्शन से राइट है। अगला है 24 व 36 का महत्तम समापवर्तक क्या है, तो 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक, तो मित्रों यहाँ पर आपके इसमें 3-2 आए हैं जबकि इसमें 2-2 आए हैं, तो यहाँ पर हम 2 ही 2 लेंगे, फिर 1-3 कॉमन आया है तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 उठाएंगे, तो कुल मिला के ये होगा कि 2 × 2 × 3 का मान होगा जो इनका महत्तम समापवर्तक होगा, अर्थात 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपके 12वां क्वेश्चन में।
तो चलिए दोस्तों, लघुतम समापवर्तक इस प्रकार निकालेंगे, 15, 21, 23 दो को डिवाइड करवाएंगे तो दो का भाग 23 में जाता है, इनमें नहीं जाएगा। फिर तीन का देंगे तो इनमें 5 बार, इनमें 7 बार, इसमें 5 बार जाएगा। फिर 5 का देंगे तो इसका 1, 1 और इसमें 7 का दे देंगे अंत में, तो 3 × 6, 6×5 = 30, 30 × 7 = 210 इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इसका लेस होगा ऑप्शन बी 210। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भिन्न दशमलव वाले से संबंधित है, क्योंकि अपने इस दूसरी इकाई के सवाल प्रारंभ हो रहे हैं जो भिन्न दशमलव और प्रतिशत से संबंधित हैं। तो इसमें आपके पूछा गया है कि 3/5 या 7/9 इनमें से कौन सा बड़ा है, अर्थात चिन्ह किस तरफ होगा। तो 5 का डिवाइड 3 में करने पर हम 0.6 पाते हैं, जबकि इसमें 9 का डिवाइड करने पर 0.7 पाते हैं, अर्थात 9×7 = 63। तो दोस्तों इसमें बड़ा कौन है, 7/9 बड़ा है, इसकी तरफ ये चिन्ह कर देंगे ग्रेटर देन का। तो दोस्तों 14वां में अपने हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम आपको पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी पेश करेंगे। 2 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को मिलने वाली रोटियाँ हैं, 2 रोटियाँ हैं जिनमें 3 को बराबर बांटनी है इस प्रकार। तो ये इसमें से मिलेगा 1/3 + 1/3 इसमें से मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 2/3। एक बच्चे को मिलने वाली रोटी का हिस्सा होगा 2/3। 15वें में आपके ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। तो जुड़े रहिए, देखिएगा, हम आपको पूर्णतः हल करके बतवा रहे हैं, ये आपके लिए आ सकते हैं दोस्तों। इनमें से प्रश्न आने वाले हैं, बिंदु ए कौन सी भिन्न को प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पर बिंदु ए अंकित है, इनमें कितने टुकड़े किए गए हैं गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात 7 टोटल टुकड़े किए गए हैं, जिनमें से एक कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5/7 इस भिन्न का रूप होता है दोस्तों। इसमें 16वें में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दी गई आकृति में छायांकित भाग को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो इसमें छायांकित भाग 1/4 भाग हैं, जिसको 100 से गुणा करके प्रतिशत में निकाल लेंगे तो ये 25% हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा अपना। तुल्य भिन्न बनाते समय अंश और हर में क्या बात ध्यान रखी जाती है। तो तुल्य भिन्न बनाते समय ये ध्यान रखी जाती है बात कि समान संख्या से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, समान संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 1/2 को तुल्य बनाने के लिए हम दोनों को 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात 2/4, 1/4 की तुल्य भिन्न 2/4 हैं, तो समान संख्या से गुणा करके हम किसी भी भिन्न को तुल्य भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन से सही उत्तर होगा आपने। तो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भिन्न मिश्र भिन्न का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो मिश्र भिन्न दोस्तों, मिश्र भिन्न का उदाहरण आप देखते ही पता चल सकता है आपको कि ऑप्शन सेम है, मिश्र भिन्न है जिसको इस प्रकार डिवाइड किया गया है, 3 सही 1/3। तो इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं दोस्तों। 0.05 की उचित भिन्न क्या होगी। तो दोस्तों इसकी होगी उचित भिन्न 5/100। क्या होगी दोस्तों, 5/100 अर्थात 1/20 भी इसकी उचित भिन्न होगी। तो इनका बदला हुआ रूप होगा 1/20। तो 20वें में अपने आंसर होगा ब, जिसको हमें सॉल्व नहीं करते हुए आगे यही करना है कि ऑप्शन बी करेक्ट कर देना है। अनुचित भिन्न का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। तो अनुचित भिन्न को पहचानने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, देखिएगा, जिसमें भिन्न का ऊपर वाला भाग जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो बड़ा होता है तो वो अनुचित भिन्न होती हैं, जब नीचे वाला भाग बड़ा होता है तो वो उचित होती हैं। तो दोस्तों भिन्न हमेशा अंश बटा हर के रूप में होती है, आपको पता होना चाहिए, सामान्य सी बात है, अंश बटे हर के रूप में होती है। और जिसमें हर बड़ा होता है वो तो आपके होती हैं उचित भिन्न, और जिसमें अंश बड़ा हो जाए वो होती हैं अनुचित भिन्न। तो इसमें क्या है कि 5/3 में अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न है, इसका ऑप्शन दे सही उत्तर हो जाएगा 21वें का। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सरल भिन्न का उदाहरण कौन सा है। तो सरल भिन्न का उदाहरण देखना है अपने को, 22वें में ऑप्शन से हो जाएगा अपने, सरल भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल भिन्न।
उचित भिन्न को ही सरल भिन्न कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त भिन्न की संख्या है, तो संयुक्त भिन्न में देखिएगा आप क्या होता है, संयुक्त भिन्न की संख्या ये हो गई ए, 3 सही 5/9, अर्थात 3 सही 5/9। मिश्र भिन्न संयुक्त भिन्न एक ही बात होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऐसे दशमलव संख्या जिनमें निश्चित स्थान के बाद वही अंक पुनः दोहराए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वे? 24वें में आवर्ती दशमलव कहलाते हैं, जिनमें एक निश्चित स्थान के बाद वही अंक पुनः दोहराते हैं वो आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है इसको। अनुचित भिन्न में अंश की बजाय हर बड़ा होता है, हर अंश से बड़ा होता है, अर्थात ऑप्शन 25वें में बी हो जाएगा, अपने अंश हर से बड़ा होता है मित्रों। तो अंश हर से बड़ा होगा वो हो जाएगी उचित अनुचित दोस्तों। जैसे 5/3 है ये अनुचित हो गई, जबकि हर अंश से बड़ा है जैसे 3/5 ये उचित हो गई आपके। तो भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 86.95 रुपये का दशमलव भिन्न में मान होगा, तो 86.95 रुपये होगा दोस्तों। 26वें का उत्तर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26वें का उत्तर 86.95 रुपये। 0.05 किलोमीटर दूरी का मान कितना होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं दोस्तों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो दोस्तों 0.05 में कितने मीटर हो जाएंगे आपके? 27वें में आपके 6 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही ये लिखोगे तो इसमें से आपको 2 के बाद ये लगाना होगा दशमलव, तो इसमें 27वें में आपके उत्तर हो जाएगा 50 मीटर। अगला प्रश्न है, 15.37 किलोमीटर का दशमलव भिन्न में मान होगा, तो इसका मान आपके होगा दशमलव में ये सै, क्या होगा? सै 15.37 किलोमीटर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िएगा कि 1.13/5 को प्रतिशत में लिखने पर क्या आएगा? तो दोस्तों हम इसको भिन्न में बदलेंगे, ये संयुक्त भिन्न से सरल भिन्न में बदलेंगे, तो दोस्तों इसका मान होगा कुछ इस प्रकार दोस्तों, इसका मान होगा, जिसको 100 से डिवाइड करने पर ये 5 को इधर से कट करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 का मान इस प्रकार होगा कि दोस्तों इस प्रकार 8×20 का मान 160 होगा, इसका 160% आएगा दोस्तों। ये सही उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 45% को दशमलव भिन्न में लिखने पर प्राप्त होगा, 45% को आप दशमलव भिन्न में लिखोगे तो आपको ऑप्शन डी प्राप्त होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन डी प्राप्त होगा। 12% को साधारण भिन्न में बदलने पर प्राप्त होगा, 12% को साधारण भिन्न में बदलने पर 12% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 100 का डिवाइडेशन कर लो तो 25×4 4×3 अर्थात 12% हो जाएंगे अपने इजीली, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 32वां प्रश्न है कि 200 का 25% होगा, 200 का 25% क्या होगा? 200×25/100 दोस्तों, क्या होगा? 200 का 25% सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा आपके 25×50, अर्थात इसमें आपके 50 नहीं दिया है तो आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि 25×200/100, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 32वें में आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 0.75 को प्रतिशत रूप में लिखा जा सकता है, तो 0.75 को प्रतिशत में आप कैसे लिखोगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75% दोस्तों। 0.75 को प्रतिशत में लिखने पर यहाँ पर 2 जीरो आएगा, ये कट के ये 75% रह जाएगा, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अपना 3.3 यूनिट से तीसरी उप इकाई से संबंधित प्रश्न है, जिसमें मापन से संबंधित मापन है, समय सारणी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 34वें प्रश्न में पूछा गया है कि प्राचीन काल में मापन में प्रयोग करते थे, तो प्राचीन काल में मापन में क्या प्रयोग करते थे दोस्तों? तो सीधा सीधा इसका जवाब है मानक इकाइयों को प्रयोग करते थे, क्योंकि वहाँ पर ठोस इकाइयाँ तो अभी आए, प्राचीन काल में नहीं थी, मध्यकाल में आई, मानक इकाइयाँ वर्तमान काल में आई, तो मानक इकाइयों का प्रयोग होता था प्राचीन काल में। मीटर में मापा जाता है किसको दोस्तों? मीटर में मापा जाता है दूरी को नापा जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 35वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। द्रव्यमान में भार को मापा जाता है दोस्तों, और समय को टाइम में मापा जाता है दोस्तों, घंटों में मापा जाता है, मिनटों में मापा जाता है। 10 मिलीलीटर बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों? 10 मिलीलीटर के बराबर में क्या लिखते हैं बताइए दोस्तों? 36 में आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ml हो जाएगा, मिलीलीटर। तो अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसमें पूछा गया है, तो ये सीधा सा जवाब हो जाएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा 37वें में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, तरल पदार्थ मापन की छोटी इकाई क्या है? तरल पदार्थ मापन की छोटी इकाई क्या है? तो तरल पदार्थ मापन की छोटी इकाई मिलीलीटर हो जाएगी दोस्तों, 38 में 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 लीटर दूध मापने के लिए 500 ml का नाप पात्र भरना पड़ेगा, तो 500 ml का पात्र आप 2 बार भर लोगे तो 1 लीटर दूध आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 लीटर में आपके 1000 ml अर्थात 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 39 के उत्तर में हो जाएगा बे अर्थात 2 बार। अगला प्रश्न है कि 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होंगे, 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होंगे? तो इसका उत्तर होगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 4 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो दोस्तों इसका उत्तर है आपके क्या है, उत्तर है 4×10^-6, ऑप्शन सही हो जाएगा, 4×16^-6, 4 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होएगा, तो 4 घंटे 30 मिनट 15 सेकंड बराबर क्या, कितनी सेकंड आने वाली हैं दोस्तों? 4 घंटे 30 मिनट और 15 सेकंड में आपके कितनी सेकंड आती हैं, तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा बे, 16215। मैंने ये स्किप करके गणना की है, आप भी कर सकते हो, 16215 सेकंड आ जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 हेक्टोमीटर 4 मीटर का मान किलोमीटर में कितना होगा, 5 हेक्टोमीटर और 4 मीटर का मान किलोमीटर में कितना होगा, तो 43 का उत्तर हो जाएगा दे। ये गणना थोड़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन समय अभाव में आपको मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 5 हेक्टर में कितने आर होंगे, तो 5 हेक्टर में अपने 500 आर होंगे दोस्तों, कितने आर? 500 आर, ऑप्शन बे राइट। 45 हेक्टोमीटर प्रति मिनट का मान मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो 45वें में 6 हो जाएगा, अर्थात 45 हेक्टोमीटर प्रति मिनट का मान अपने 7.5 मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। रमेश का जन्म 25 फरवरी 1968 को हुआ था, 3 सितंबर 2004 को रमेश की आयु कितनी होगी, तो दोस्तों इसमें आयु गणना में आप आसानी से कर सकते हो, 46 में मैं बता देता हूँ 36 वर्ष 6 माह 8 दिन होगा दोस्तों। मैंने इससे मैं पहले से उत्तर निकाला है, आप सोच रहे होंगे इतने आसानी से कैसे निकालते हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए वीडियो लंबा ना करूं, तो मैंने पहले इसका उत्तर निकाल लिया था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 4 घंटा 3 मिनट 48 सेकंड और 5 घंटा 40 मिनट 51 सेकंड का योगफल कितना होगा, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि सेकंड का छोड़ देते हैं, मिनट जोड़ते हैं, तो पाते हैं कि 40 मिनट इसका है, 3 मिनट इसका है,
तो 43 मिनट होंगे, और 1 सेकंड बढ़ जाएंगे तो 44 सेकंड हो जाएंगे। जबकि 4 और 5 9 घंटे होते हैं, तो 47 में अपना बे उत्तर हो जाएगा। 9 घंटे हो गए, 4 और 5 9, 40 और 3 43 मिनट, जिसमें 51 और 48 सेकंड जोड़ने के बदले यहाँ पर मिनटों का बढ़ जाता है, तो 47 में अपने ऑप्शन हो जाएगा बे सही उत्तर। अगले में बढ़ते हैं तो पाते हैं कि मध्य रात्रि 12 बजे को रेलवे बस समय में लिखते हैं, तो रेलवे और बस के समय आपने बस स्टैंड पर देखा होगा समय सारणी में, 12 रात्रि 12 बजे को इस प्रकार लिखते हैं 0000 अर्थात 12 बजे को इस प्रकार लिखते हैं। 15:45 बजे को प्रचलित समय में क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रचलित समय में 3:45 कहते हैं, लेकिन अब दोस्तों अपराह्न और पूर्वान में आपको सेलेक्ट करना है कि क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि 49 में हम अपराह्न कहते हैं दोस्तों, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न में कहते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है, तो इसमें क्षेत्रफल से तात्पर्य इस प्रकार बता सकते हो आप कि वस्तु द्वारा किसी तल पर स्थान घेरने को क्षेत्रफल कहते हैं, वस्तु द्वारा स्थान घेरने को क्षेत्रफल कहते हैं, ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला, एक होल का परिमाप 20 मीटर है, यदि होल की चौड़ाई 4 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। होल का परिमाप बताया है दोस्तों, होल का परिमाप 20 मीटर बताया है और उसमें चौड़ाई 4 मीटर है, तो आप समझ सकते हो चौड़ाई सामने वाली चौड़ाई भी 4 की होगी, तो 4 4 8 निकालने पर 20 में से 8 निकाले तो 12 बचे, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 लंबाई आ जाएगी आपके पास, और 4 आपके पास चौड़ाई है ही, तो 4 आपके पास चौड़ाई है तो 6 लंबाई और 4 चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल 6 चौक 24 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन से 6 चौक 24 6 × 4 वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन से सही हो जाएगा आपके 51वें क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है कोण का चिन्ह, कोण को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों कोण का चिन्ह ये हो जाएगा अपने ए वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस घड़ी की दोनों सुइयों के बीच ठीक 11 बजे, किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच ठीक 11 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, तो दोस्तों इसमें आपके 30 डिग्री का कोण बनता है, मैं आपको हल करके नहीं बता सकता, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें आप देख लीजिएगा ठीक से कि 30 डिग्री होगा 53वें में, ए उत्तर आ जाएगा। दो परिपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो दो परिपूरक कोणों का योग आपके 180 होता है दोस्तों, परिपूरक कोणों का योग, परिपूरक कोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं दोस्तों। अगला, किसी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अधिक कोण हो सकते हैं दोस्तों, इसका ऑथेंटिक जवाब है 1, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण को अधिक कोण कहते हैं, अगर एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी के कोण दोनों 90 से नीचे ही होने हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपके 55वें सवाल में ए सही उत्तर हो जाएगा, तो अगले में देखिए निम्न चित्र में प्रदर्शित कोण कितने डिग्री का है, तो दोस्तों यह कोण 180 डिग्री का है जिसको सरल कोण भी कहते हैं, ऑप्शन 56वें में दे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, चित्र में दिए गए कोण कोण ए ओ बी अर्थात कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये कोण तथा कोण बी ओ सी क्या है, तो ये कोण कोणों में क्या संबंध है इनमें, ये बताना है आपको 57वें में, ये आसन कोण है दोस्तों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा समकोण, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, निम्न में सरल कोण कौन सा है, तो सरल कोण 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, ऑप्शन से सरल कोण का उदाहरण है, 59वें में आपके से सही उत्तर होगा। त्रिभुज में कोण होते हैं, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं दोस्तों, 3 कोण होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक कोण समकोण हो सकता है आपके। अगला प्रश्न है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं लंबाई में समान हो वह त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा 61 में। चांदे की आकृति होती है दोस्तों, किस प्रकार की होती है चांदे की आकृति, चांदे की आकृति आपके डी के प्रकार की होती है, डी जैसी दिखती है चांदे की आकृति इस प्रकार दिखने में। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है, तो 63वें में आपके उत्तर हो जाएगा ए अधिक कोण है,
यहाँ पर इस कोण का मान करीब 120 डिग्री हो सकता है, जबकि ये तो 90 डिग्री एंगल है, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, जिसे सरल कोण कहते हैं। अधिक कोण न कहकर 180 डिग्री से नीचे और 90 डिग्री से ऊपर के कोण को अधिक कोण कहते हैं, तो ये अधिक कोण हो जाएगा, ये न्यून कोण, ये समकोण, ये सरल कोण हो गया। आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़िए कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं लंबाई में अलग अलग हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा। दोस्तों वह त्रिभुज कहलाएगा आपके विषमबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं अलग अलग होगी। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होगी, समबाहु में सभी भुजाएं समान होगी, जबकि समांतर त्रिभुज हो ही नहीं सकता, क्योंकि समांतर में रेखाएं इस प्रकार होती हैं, समांतर चतुर्भुज होता है। त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं जिनमें भुजा समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें भुजाओं को आपस में प्रतिच्छेदन करना होता है और समांतर भुजाएं बराबर चलती है। अगला प्रश्न है 65वां, जिसमें पूछा गया दिए गए चित्र में कोण ADB अर्थात कोण ADB और कोण BDC का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में ऑथेंटिक जवाब बताने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन योग टोटल 180 होना चाहिए, तो इनमें सभी में योग तो 180 हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण थोड़ा बड़ा है, तो आपके लिए इसका जवाब 110 डिग्री हो जाएगा, और 110 डिग्री व 70 डिग्री जवाब सही हो जाएगा करीब करीब। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी बता दिया ऑप्शन से 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अगला है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण समान अर्थात 60 डिग्री का होगा। दोस्तों प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा समान। अगला प्रश्न अपने आंकड़ों से संबंधित उप इकाई से लिए गए हैं कि आंकड़े संख्याओं के वह संग्रह हैं जो कुछ देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। क्या देने के लिए दोस्तों, आंकड़े सूचनाएं देने के लिए एकत्रित करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 68 में। अगला प्रश्न है प्राप्तांकों की खानों कॉलम एवं पंक्तियों में व्यवस्था क्या कहलाती है। दोस्तों खानों व पंक्तियों में आंकड़ों की व्यवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन बे हो जाएगा सारणियन। जब हम किसी प्राप्तांकों को इस प्रकार सारणियन में व्यक्त करते हैं तो कॉलम और पंक्तियां बनती हैं, इस प्रकार कॉलम पंक्तियां बनती हैं। आगे का प्रश्न देखिए, आलेखीय चित्र समझना होता है, आलेखीय चित्र को समझना कठिन होता है, सरल होता है, सहज होता है, संदेहजनक होता है, नुकसानजनक कैसा होता है। तो 70वें का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए सरल। आलेखीय चित्र को समझना आसान होता है, सरल होता है। अगला है वृत्ताकार चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़ों का आधार होता है। तो वृत्ताकार चित्र में दोस्तों कुल 360 डिग्री होता है आंकड़ों का आधार प्रकटकरण के लिए। अगला प्रश्न 72वां की विद्यालय की किसी कक्षा या संकाय के परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक प्रदर्शन दिखाया जा सकता है। कौन से चित्र में दिखाया जा सकता है। दोस्तों स्तंभाकार लेखा चित्र में दिखाया जा सकता है ये, इस प्रकार की कौन से संकाय का परिणाम कितना उच्चतर रहा कितना निम्न रहा। अगला प्रश्न है कि बंटन 4 8 3 6 7 2 3 5 9 4 6 5 5 में वर्ग अंतराल 3 से 5 की बारंबारता क्या है। तो 3 से 5 की बारंबारता में हम 3 और 5 को भी शामिल करेंगे, तो 2 तो ये हो गए 5 5 और 1 ये 4 हो गया, 1 3 1 2 1 3 ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ पर ये उत्तर गलत साबित हो रहा है, तो 73वें में आपके उत्तर होगा ऑप्शन बे 4 अर्थात 4 उत्तर होएगा, क्योंकि इसमें आपको शायद 5 को शामिल नहीं करना है। दोस्तों 3 से 5 की बारंबारता में 4 उत्तर आ जाएगा, जिसमें ये 4 भी गिनना है आपको। एक तो ये 4 हो गया, वापस गिन लीजिएगा दोस्तों कि ये 4 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 2 हो गया और एक ये 4 हो गया। तो आपको नए 3 5 को नहीं गिनना है, तो आपके लिए ये 4 उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बे। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम आपके लिए बड़े क्वेश्चन आंसर की क्लास भी लेकर आएंगे, तो इस क्लास को भरपूर प्यार देना ताकि हमारे को जोश मिले। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते रहे और आपके लिए क्वेश्चन पेपर आसान हो जाए।
तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सामग्री पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।